इस वीडियो में मैं ऐसी 10 टिप्स बताने वाली हूँ जिनकी हेल्प से आपके इजीली स्पीकिंग मॉड्यूल में 7+ बैंड आ जाएंगे। यार 7+ बैंड लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एक नॉर्मल सा एवरेज स्टूडेंट भी होगा ना वो लेके आ सकता है। इट्स ऑल अबाउट द राइट स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स एंड फॉर द सेम यू सिंपली नीड टू फॉलो मी। हेलो एवरी वन, माई नेम सोनम संधू एंड आई हैव बिन टीचिंग फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ। इफ यू लाइक द कॉन्टेंट आई शेयर विद यू गाइज, सिंपली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहली टिप जो मैटर करती है स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए वो है कि आप नर्वस बिल्कुल भी ना फील करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लर्नर्स क्या करते हैं, दे स्पीक प्रिटी वेल व्हेन दे आर टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स, व्हेन दे आर प्रैक्टिसिंग इन द इंस्टीट्यूट और व्हेन दे आर प्रैक्टिसिंग विद देयर एजुकेटर ऑनलाइन, बट व्हेन दे गो टू द एग्जामिनेशन हॉल दे गेट आउट ऑफ नर्व्स और दे फील आउट ऑफ नर्व्स एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे आर अनएबल टू परफॉर्म वेल। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिंपली स्पीकिंग यू नीड टू काम डाउन, ठीक है? तो सोचो मत कि कुछ बहुत ही ज्यादा ऐसा होने वाला है कि आपको उस चीज का स्ट्रेस लेने की जरूरत है। आप इस तरीके से स्पीकिंग एग्जाम को लो कि आपने वहां जाना है एंड यू आर जस्ट टॉकिंग टू वन ऑफ योर फ्रेंड्स। सो उसके लिए आपने ध्यान रखना है कि आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जस्ट टेक 10 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल एंड यू विल नेवर फील नर्वस, ठीक है? टॉकिंग अबाउट द सेकेंड टिप हेयर एंड द सेकेंड टिप इज आंसरिंग द क्वेश्चन एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो बहुत बार ऐसा होता है कि वी आर ऑलवेज इन रश ऑफ आंसरिंग, है ना, कि हमने क्वेश्चन सुना भी नहीं पूरा एंड वी जस्ट स्टार्ट आंसरिंग इट, विच इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। आपने क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और ध्यान से सुनने के बाद आपने आंसर करना शुरू करना है। यू कैन टेक अ पॉज ऑफ 1 or 2 seconds बिफोर इवन स्टार्टिंग टू आंसर इट। इससे पता है क्या होगा, जब आप 1-2 सेकेंड्स का पॉज लेते हो तो आपको खुद पता होगा कि एग्जैक्टली मैं आंसर ये करने वाली हूं और ऐसे करना है, ठीक है? टेक केयर ऑफ द लेंथ, विच इज द थर्ड टिप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। बहुत सारे लर्नर्स ऐसा करते हैं कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में ही ना पूरी एनर्जी अपनी वेस्ट कर देते हैं, है ना? ऐसा होता है ना कि यार फर्स्ट राउंड है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से बड़े अच्छे से आंसर करना है एंड बाय द टाइम दे आर आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू पार्ट 3 दे आर जस्ट नॉट इन द मूड टू परफॉर्म और दे आर अनेबल टू परफॉर्म वेल। सो आपने क्या करना है कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर करना है, बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट करके नहीं बताना, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करने आंसर को। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा है, हाउ आर यू फीलिंग टूडे? वेल आई एम नॉट फीलिंग सो वेल टूडे, आई हैव बीन अ बिट अंडर द वेदर इन द लास्ट 3-4 days और I have been feeling a bit under the weather for the last 3-4 days. बस इतना ही आंसर करो, बहुत ज्यादा लेंदी मत करो, ठीक है? Got it? Now, ये तो हो गई हमारी 3 टिप्स जिनका आपने ध्यान रखना है। देयर आर 7 more tips जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। टॉकिंग अबाउट द 4th टिप, सो टेक केयर ऑफ द पेस, ऑलवेज स्पीक एट मॉडरेट पेस। बहुत बार क्या होता है, लर्नर्स ट्राई टू स्पीक एट अ वेरी फास्ट पेस, उसकी वजह से स्कोर आपका इम्प्रूव नहीं होता, आप उसमें गलतियाँ भी ज़्यादा करते हो। बट वेन यू स्पीक एट स्लो पेस और एट अ मॉडरेट पेस, वॉट हैपन्स, यू आर थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग एंड बिकॉज ऑफ द सेम यू आर एबल टू फेच मोर स्कोर्स। सो वही तो चाहिए ना, बैंड स्कोर ज़्यादा चाहिए, तो हमेशा मॉडरेट पेस रखो, नेवर स्पीक एट फास्ट पेस। नाउ कमिंग टू द 5th टिप हेयर एंड द 5th टिप इज, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट। लेट से कोई क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कार पूलिंग, ठीक है, पर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। सो इंस्टेड ऑफ आंसरिंग इट इन अ रॉन्ग मैनर और इंस्टेड ऑफ आंसरिंग इट रॉन्ग, यू बेटर आस्क द क्वेश्चन अगेन। आप सिंपली बोल सकते हो पार्डन मी, या फिर बोल सकते हो कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन अगेन, सॉरी आई डिडंट हियर इट प्रॉपरली, विल यू प्लीज रिपीट इट। बस अपने पोलाइट मैनर में रिक्वेस्ट करके क्वेश्चन पूछ लेना है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग हियर, एक एग्जाम्पल देती हूँ। व्हेन आई स्कोर्ड बैंड 9 तो मैंने 2 क्वेश्चंस रिपीट करवाए थे,
देन ऑल्सो शी गेव मी बैंड 9। सो ये मत सोचो कि स्कोर नहीं आएगा अगर आप पूछते हो एग्जामिनर से कि क्वेश्चन क्या है। हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते क्वेश्चन तो भूल ही सकते हैं ना, कोई बिग डील नहीं है, दोबारा से पूछ लो यार, उसमें हेजिटेट बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। एंड स्कोर डिक्रीज नहीं होगा इस चीज की वजह से। स्कोर डिक्रीज तब होता है जब आप गलत आंसर देते हो। सो गलत आंसर नहीं देना, सही देना है। क्वेश्चन दोबारा भी पूछ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट इज दिस सिक्स्थ वन, डू नॉट यूज स्लैंग्स। बहुत बार ऐसा करते हैं यार लर्नर्स, हम डे टू डे लाइफ में ना वी हैव दिस हैबिट, व्हाट्सअप क्या हाल है ना, ऐसा कुछ, या फिर हम बोल देते हैं कि ठीक है हाउज यू, है ना, इस तरीके से हम कुछ भी रैंडम यूज करते हैं, माई बैड, नो वरीज। सो ये सब चीजें आप स्पीकिंग एग्जाम में नहीं यूज कर सकते, या फिर बार बार बोलते रहना यू नो यार, आप उसे क्यों बता रहे हो यू नो, है ना। देखो किसी को भी हम अगर बार बार बोलते हैं यू नो तो उससे एग्जामिनर को डेफिनेटली लग सकता है कि थोड़ा सा इंसल्टिंग लग सकता है। सो प्लीज डू नॉट यूज सच टर्म्स, स्लैंग्स यूज करके स्कोर डेफिनेटली डिक्रीज होगा, बिकॉज आईएलटीएस इज अ फॉर्मल एग्जाम और यहाँ पे हमें फॉर्मल टोन ही यूज करनी है, बी इट स्पीकिंग मॉड्यूल बी इट राइटिंग मॉड्यूल, एक्सेप्ट आप यूज कर सकते हो खाली एक ही जगह पे, एंड दैट इज इनफॉर्मल लेटर, जहां पे आप इस तरीके से कुछ टर्म्स यूज कर सकते हो बट नॉट स्लैंग्स। यू कैन यूज कॉन्ट्रैक्शंस बट अदरवाइज हर एक चीज में यू नीड टू टेक केयर ऑफ द टोन, टोन शुड ऑलवेज बी फॉर्मल। सो द सेवेंथ टिप हेयर इज नेवर आंसर इन 2 to 3 words। बहुत बार ऐसा होता है कि यार आप लोग क्या करते हो कि 2 से 3 words में ही आंसर कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने पूछा है वेयर आर यू फ्रॉम, आपने बोल दिया न्यू दिल्ली, वेयर आर यू फ्रॉम, आपने बोल दिया जलंधर, रॉन्ग। इतना सा आंसर नहीं करना, आप बताओगे उसे आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिस एंड करंटली आई एम रिजाइडिंग हेयर। अगर इस तरीके से आंसर करते हो तो वो एक हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, या फिर कंपाउंड सेंटेंस यूज करके आंसर करते हो तो एग्जामिनर को भी पता चलता है कि आपने क्या बोला। यार देखो वो आपकी स्पीकिंग को जज कर रहे हैं, बट अगर आप बोलोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा उन्हें द वे यू स्पीक। सो नेवर आंसर इन 2 to 3 words। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, रीड बुक्स, बस इतना बोल दिया, दिस इज रॉन्ग। ऑलवेज आंसर इन फुल सेंटेंसेस एंड ट्राई टू यूज कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर्स। ओके नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टिप हेयर, यार लर्नर्स क्या करते हैं ना, कभी कभार ऐसा होता है आप एग्जाम में जा रहे हो बट बहुत ही ज्यादा अच्छे से ड्रेस्ड होके चले गए, किसी शादी में नहीं जा रहे आप, है ना, आपने वहां जाके एग्जामिनर को टेस्ट देना है, उन्होंने आपका मेकअप नहीं देखना है, उन्होंने ये नहीं देखना कि आपने कौन से ब्रांड के शूज पहने, कौन से ब्रांड के आपने डेनिम पहने हुए, इट डजेंट मैटर एट ऑल। सिंपल अटायर में ड्रेस होके जाओ, डू नॉट ओवर डू एनीथिंग, ऑलवेज कीप इट सटल। सो फॉर फीमेल्स आई वुड सजेस्ट कि नॉर्मल शर्ट एंड अ ट्राउजर पहन सकते हो, या फिर नॉर्मल कॉलर नेक टी शर्ट एंड अ ट्राउजर पहन सकते हो, एंड अगर आप सूट पहन रहे हो तो एक सिंपल सा सूट, प्लीज कोई गॉडी सा सूट मत पहनना, बहुत ज्यादा फैंसी वर्क नहीं होना चाहिए, सिंपल कॉटन सूट वुड डू। आप जो भी मन करे पहनो बट कीप इट सिंपल, एंड सेम फॉर द गाइज, अ सिंपल टी शर्ट, प्रेफर अ कॉलर्ड वन एंड अ डेनिम, थोड़ा सा फॉर्मल तो लगे ना, या फिर शर्ट एंड डेनिम। ऐसे मत जाओ कि उन्हें लगे कि या तो आप उठ के आ गए हो, अभी बस सो रहे थे उठ के आ गए हो, या फिर ऐसा लगे कि आप शादी में जा रहे हो। सो ऑलवेज कीप इट सटल, इट डजेंट गिव अ गुड इम्प्रेशन, है ना। सो डैट्स वॉट वी वॉन्ट, वी ऑलवेज वॉन्ट यू टू पुट अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर, सो टेक केयर ऑफ दिस। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन, एंड दैट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ये मैंने पहले भी काफ़ी अपनी वीडियोज में बताया हुआ है, रिप्लेस ईजी वर्ड्स विद द डिफिकल्ट वंस। फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड यूज करना है गुड, सो गुड की जगह आप यूज कर लो इम्प्रेसिव, गुड की जगह यूज कर लो मेस्मराइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ है जो कि आप यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूव आपने बोलना है, इट विल इम्प्रूव द सिचुएशन, सो इंस्टेड ऑफ इम्प्रूव यू कैन से एमिलियोरेट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग यू कैन से इनकॉर्पोरेट। सो इस तरीके से आप बैंड, हाई बैंड वाली वोकैबुलरी यूज करके यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर। सो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड 9 इंपॉर्टेंट टिप्स विद यू। टिप नंबर 10,
यूज कॉन्ट्रैक्शंस बहुत जरूरी चीज है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज करते किसी की वीडियो में, पर वो गलत है। आप कैम्ब्रिज की बुक में देखोगे तो उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है, दे वॉन्ट टू सी द वे यू स्पीक, द वे यू प्रोनाउंस। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू यूज कॉन्ट्रैक्शन, दे विल नॉट गेट टू नो द वे यू आर प्रोनाउंसिंग अ स्पेसिफिक वर्ड। सो वॉट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, इफ यू वॉन्ट टू से माई नेम इज सोनम संधू, से माई नेम सोनम संधू, आई एम अ गर्ल, I'm a girl. Contract करो वो दोनों sounds को और make it a single sound. This way examiner gets to know the way you are speaking. They want to see कि कितना आप comfortably English language में बात कर सकते हो. So you must use contractions and it is also mentioned in Cambridge books. So don't worry about it. एक और चीज का जरूर ध्यान रखना कि हमेशा ऑलवेज मेंटेन स्माइल, ठीक है। नर्वसनेस फेस पे नहीं शो होनी चाहिए, सो जस्ट मेंटेन स्माइल थ्रू आउट। एक प्लेजेंट सी है ना, आप देखो एक प्लीजिंग सी पर्सनैलिटी होती है तो हर किसी को अच्छी लगती है। अगर मैं यहाँ पे मूड खराब होगा और वीडियो बना रही होंगी तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, है ना। सो इट शुड ऑलवेज बी सटल टू हियर, इट शुड ऑलवेज बी सिंपल एंड इट शुड ऑलवेज लुक फाइन। सो टेक केयर ऑफ दिस। नाउ यार, अब सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, एक लास्ट चीज जो मैं आपको बोलूंगी, आप सब लोग बहुत सारे क्यू कार्ड लिस्ट फॉलो करते हो, बट किसी ने भी ये नहीं बोला कि आंसर्स को क्रैम करो। बट मुझे पता है मेरे बहुत सारे लर्नर्स वहां पे ऐसे हैं जो कि आंसर्स को क्रैम करके जाते हैं, वही सेम आंसर्स उधर जाके बोल देते हैं। सो चाहे आप आइल्स मेड इजी की क्यू कार्ड लिस्ट ले रहे हो तो क्यू कार्ड लिस्ट लो और उससे आइडियाज लेने हैं आपने, आपने आंसर को क्रैम करके नहीं जाना, क्योंकि वही लिस्ट बहुत सारे लर्नर्स यूज कर रहे हैं। सो लिस्ट में से आंसर्स पढ़ो, आइडियाज लो और आइडियाज लेने के बाद खुद सोचो कि किस तरीके से इसे फ्रेम करके बोलना है। सो जस्ट थिंक ऑफ अ स्टोरी एंड एक्सप्लेन इट थरली, नेवर क्रैम आंसर्स इफ यू वॉन्ट टू स्कोर 7+। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन।